हर आपे शब्द सुरत धुन आपे हर आपे आप जपाए अपे हर जापे वाहे गुरु 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 वाहे संसार दे अंदर उसनू ही सन्मान मिलता है मान मिलता है जिहड़ा मानवता का भला करता है मनुखता का भला करता है उसनू भी मान मिलता है सत्कार मिलता है जिहड़ा मनुखता लई अपनी शहादत दे दिंदा है प्राणा की आहुति दे दिंदा है जिन्हां महापुरखां की याद दे विच असी जुड़े बैठे हैं बाबा जसवंत सिंह जी इन्हां ने परमेश्वर की गल की जिहड़ा भी कोल आया मिलिया बैठिया उसनू वाहिगुरु दे नाल जोड़न दा यतन किया संसार दे अंदर कदे राजे महाराजे अमीर जादे याद नहीं रखे जाते याद बंदगी वाले रखे जाते आनंदपुर साहब की पावन धरती दे उते एक बार श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने संगत नू पुछया कि तुहाडे चों कोई भगत कबीर जी नूं जाणदा है सारे कहन लगे हाँ जी जाणदे हां बंदगी वाले भगती वाले महापुरख ने भगत कबीर जी फिर महाराज ने फिर पुछया कि भगत कबीर जी दे समकाल दे विच हिंदुस्तान दा बादशाह कौन सी कोई आखे बहलोल लोधी कोई आखे सिकंदर लोधी कोई आखे हमायूं कोई आखे अकबर तो महाराज ने कहा देखो कितनी हैरानी दी गल है कि उस वक्त बादशाह केड़ा सी ये बहुतियां नूं पता नहीं है कईयां नूं गलत पता है बहुत थोड़े है जिन्हां नूं सही पता है पर भगत कबीर जी बारे सारिआं नूं सही पता है। महाराज ने फिर उपदेश दिता सिक्ख्या दिती
शहीद याद रखे जाते ने, भगत याद रखे जाते ने, साधु याद रखे जाते ने, बादशाह कदे याद नहीं रखे जाते। बड़े बड़े जगीरदार अमीर याद नहीं रखे जाते। अज असी देखते हैं संसार के अंदर यह ठीक है, जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का असी जीवन वरतांत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उत्ते औरंगजेब का नाम भी सुनते हैं तो पढ़ते हैं। जदों छोटे साहबजाद की शहादत की गल चलती है तो बजीदे की गल भी आती है सुनने को, फर्क है। जिथे असी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह सत्कार ना पढ़ते हैं, सत्कार ना सुनते हैं, उत्थे औरंगे नूं तिरस्कार ना पढ़ते हैं तो तिरस्कार ना सुनते हैं। जिथे साहबजादियां नूं पढ़ते हैं सत्कार ना पढ़ते हैं, साहबजादियां की शहादत नूं सुनते हैं सत्कार ना सुनते हैं, जदों बजीदे का नाम कन्नी पैंदा है तो उन्हूं तिरस्कार ना सुनते हैं। सत्कार ते तिरस्कार दे विच फर्क है, जमीन आसमान दा, जमीन आसमान दा। शहीद ते भगत ये सत्कार नाल याद रखे जाते हैं, सत्कार नाल याद किए जाते हैं। अज असी देखते हैं ना कि किसी का जो पिता चढ़ाई कर जाता है तो पुत्र जिहड़ा उहदी याद दे विच साल बाद समागम कराउंदा अपने घर दे विच। सिख अखंड पाठ साहब करा लैंदे ने, हिंदू जिहड़े ने वो अपनी रीत मुताबक धार्मिक समागम करा लैंदे ने, एक बार कराउंदे ने जिन्हों वरीणा कह दें, जिहड़े बहुते प्यार करन वाले हुंदे आ मां बाप नूं वह हर साल कराउंदे आ, पर जदों चलाना कर जाते हैं उन्हां दे अगों जिहड़े पुत्र हुंदे आ फिर वह पिता की याद मनाउंदे आ, दादे की याद नहीं मनाउंदे। फिर गां उन्हां दे जदों पुत्र हो जाते हैं फिर वह दादे की भी नहीं मनाउंदे, पड़दादे की भी नहीं मनाउंदे, वह आपदे पिता की मनाउंदे आ। मतलब की है कि आम मनुखां की याद जिहड़ी है ना नहीं मनाई जाती इन्नी, लेकिन शहीदां ते भगतां नूं सदियां याद रखिया जाता है, सदियां। जदों तो छोटे साहबजादियां की शहादत हुई है असी उदों तो उन्हां नूं याद करते आ रहे हैं। 316-317 वरे हो गए जदों तो धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत हुई है असी उदों तो याद करते हैं, तो भगत कबीर जी नूं असी उन्हां दे चलाने तो बाद तो याद करते तुरे आ रहे हैं। यानी 550-600 साल हो गया सानू भगत कबीर जी की याद मनाउंदे आ, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब 550 साल हो गया सानू मनाउंदे आ, और हजारां साल मनाउंदे रहना असी, पर आम मनुखां नूं कोई याद नहीं करता, आम लोगों नूं कोई याद नहीं करता, चाहे वह किन्ने धनवान होण ते किन्ने ही सत्ता दे ओ धारनी होण। ये चीज़ां सानूं सबक भी दिंदियां ने, अपने लिए जिंदगी हर कोई जिउंदा है, पशु पंछी पेड़ पौधे रुख जी जंत कीड़े मकौड़े सब अपने लिए जिंदगी जिउंदे है। असी पढ़ते हैं ना दुनिया के बहुत सारे फलसफे जड़े ने वो आस्तक ने, बहुत सारे फलसफे जड़े ने वो नास्तक ने, पर सारे फलसफे चाहे आस्तक है तो चाहे नास्तक, सारे फलसफे एक गल के उत्ते सहमत है। जड़े नास्तक है ना वो भी इस गल के उत्ते सहमत है। किहड़ी गल है जिहदे ते सारे सहमत है? वो ये है कि मनुख जोन जड़ी है ये सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। कम्युनिस्ट भी मानते हैं मनुख सारिया जोनिया नालों उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्यों उत्तम है?
कि इसलिए कि मनुख को शरीर है भाई, शरीर सारिया को है, जिसन परमात्मा ने जिहोजा शरीर दिता है वह शरीर सारिया को है। कि मनुख इसलिए सर्वोपरि है कि मनुख जड़ा है अपने बच्चे जड़े है वह पैदा करके पालद भाई, हर कोई अपने बच्चे पैदा करता है तो हर कोई पालद जिनी कि परमात्मा ने किसी समर्था दिती है। कोई महलों च पाल लैंदा, कोई झुग्गियां च पाल लैंदा, कोई आलणियां च पाल लैंदा, तो कोई घुरनियां च पाल लैंदा, कोई झाड़ियां च पाल लैंदा। जिनी कि परमात्मा ने किसी को ताकत दिती है ना, उहदे हिसाब दे नाल हर कोई अपने बच्चे पैदा करके उन्हां दी पालना करता है। कि इसलिए सर्वोपरि है कि मनुख संघर्ष करके खांदा, किहड़ी जोन है जिहड़ी संघर्ष करके नहीं खांदी, किहड़ी जोन है जिहड़ी संघर्ष करके नहीं खांदी। चिड़ियां नूं अपना चोगा चुगण वास्ते अपने आलने तो सवेरे सफर शुरू करना पैंदा है शाम तक, फिर जाके वह अपना ते अपने बच्चों का जिहड़ा है ना वो पेट भरदी। ये संघर्ष ही है, जानवरों नूं संघर्ष करना पैंदा है अपनी उपजीविका लई, पंछियों नूं संघर्ष करना पैंदा है अपनी उपजीविका लई। ते जे किसे नूं असीं बनिया बनाया मूहरे रखते हैं ना, तो वह तां रखते हैं क्योंकि बदले दे विच सानूं कुछ दिंदा है। जे गां दे अगे असीं पट्ठे पाउने आ ना कुतर के, ते तां पाउने कि दुध दिंदी है, मझ दुध दिंदी है, दुध ना ना देवे फिर कोई नहीं पाउंदा, रस्सा ला दिंदा। महाराज ने भी आख्या ना, धेन दुध है ते बाहरी कितै ना आवै काम, दुधों भज्जी गां किसे काम नहीं आउंदी। जल बिन साख, पानी तो बिना साख जिहड़ी है वह पैदा नहीं होंदी। कहन दा मतलब है कि हर जोन जिहड़ी है वह संघर्ष करती है, हर जोन घर बनाउंदी है, हर जोन अपने बच्चे पैदा करती है, हर जोन अपने बच्चे पालदी है। फिर मनुख सर्वोपरि किवें है? मनुख इस करके सर्वोपरि है कि मनुख नूं परमेश्वर ने विवेक जिहड़ा है वह सब तो वध बख्शिया है, सब तो वध विवेक। विवेक की हुंदा है? विवेक हुंदा है सोचण समझण दा निर्णा करन दी समर्था, सोचण समझण दा निर्णा करन दी ताकत, की चंगा है की माड़ा ये निर्णा करन दी जिहड़ी समर्था है ना सब तो वध मनुख कोले है। ते जे मनुख इसका इस्तेमाल नहीं करता फिर वह पशु बराबर है। ये पशु हुंदा ना, उन्हें की पता कि ये जिहड़ी कणक है गिठ गिठ दो दो गिठ ये किसी जिमीदार ने बीजी है, पुत्तां गूण पाल रहे है, पशु उस खेत च वड़ जांदा है, खांदा घट है, उजाड़ा बाला करदा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इस फसल के उत्ते मेरा हक है या नहीं है, क्योंकि उहदे कोल विवेक नहीं है इन्ना। पर जे मनुख भी गुरु प्यारियो बिना सोचे समझिया जिहड़ी चीज़ ते अधिकार नहीं है उहनूं हासिल करन दा यतन करदा है, ते फिर मनुख ते पशु च कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। महाराज ने कहा भी है बाणी च, करतूत पशु की मानस जात। क्यों किया महाराज ने? करतूत पशु की मानस जात, कर्म पशुआं वाले, जात मनुख दी है। फिर उन्हें मनुख किया जा सकता है जिदे कर्म पशुआं वाले, कर्म जानवरां वाले ने की उन्हें मनुख किया जा सकता है? मनुख कोल विवेक है, मनुख समझ सकता है कि मेरा जिहड़ा मूल है, मेरी जिहड़ी जड़ है, ये ईश्वर है, तो मैं उहदे तक पहुँचना है। रोज पढ़ते हैं ऐ भाई, जन्म बिरथा जात रंग माया कै, तेरा जिहड़ा जन्म है वह बिरथा जा रहा है माया दे रंगां दे विच, माया दे रंगां दे विच तेरा जिहड़ा जन्म है वह अजाई जा रहा है, बिरथा जा रहा है। इस करके इन्ना असी गुरमुखां दा, इन्ना असी महापुरखां दा अज याद दे विच समागम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने रब की गल की है, वाहिगुरु की गल की है, ईश्वर की गल की। जिथे मैं आप सारी संगत का धन्यवाद करदा, उत्थे साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा अनहद राजबीर सिंह जी,
जड़े इस अस्थान की सेवा संभाल रहे ने अरदास है वाहिगुरु इन्हां नूं ताकत बख्शे समर्था बख्शे इसे तरह ही जिवें बाबा जसवंत सिंह जी सेवा करते रहे ने उस तरह ही शिद्दत नाल इह सेवा करते रहन बहुत बहुत धन्नवाद बहुत सत्कारत हस्तियां बैठियां ने सब दा तहे दिलों शुक्रिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सो बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी जिन्होंने अनमोल विचारां द्वारा आप संगतां दे नाल अनमोल विचारां दी सांझ पाई है सो पंथ दीआं महान शख्सियतां गुरमुख प्यारे संत महात्मा जन गुरु के कीर्तनी विद्वान महाराज जी दे हजूर पहुँचे है जितने भी कदम चल के गुरमुख प्यारे महापुरखां दे प्रेम भरे सद्दे नूं प्रवान करदे दर्शन दीदार बख्शन वास्ते संगतां विच हाजिर होए सब तो पहला सारे ही सत्कार तो महापुरखां दा विद्वान सज्जन गुरमुख जना दा बहुत बहुत धन्नवाद सभनां नूं जीओ आया जी सो हुण बेनती है कि महंत करमजीत सिंह जी वह संगतां दे विच भाई पहुँचे ने महंत करमजीत सिंह जी जमुना नगर वाले सो उन्हां नूं बेनती है कि आप संगतां दे दर्शन करनगे कुछ समय लई महंत करमजीत सिंह जी जमुना नगर वाले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु रूप साध संगत जी सारे गुरु फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब महापुरख संत बाबा जसवंत सिंह जी तिना दे पावन याद विच संत अनहद राज सिंह जी तिना दे सद्दे ते आप संगतां कत्र होईयां हो सिंह साहब जी ने बहुत वधिया वचन कहा मैं उसनूं अगे गल तोरदा हाँ कि तुसी बनारस दी धरती दे उत्ते जाओ उस इलाके दे आले दुआले देखोगे वड्डे वड्डे पहाड़ां दे उत्ते वड्डे वड्डे किले बने ने उन्हां किलियां दीआं दीवारां भी टुट चुकियां ने ते किलियां दे विच दरख्त भी उग चुके ने ते उन्हां किलियां दे थल्ले थावां दे उत्ते एक धरती ते एक छपरी है एक कुली है जिथे हर वेले रब दा नाम जपया जांदा है धूप दीप किरत साज आरती दे स्लोगन पढ़े जांदे ने संगतां श्रद्धा नाल मत्था टेकदियां ने पूजा अर्चना भेट कर दियां ने उत्थे खड़ के सामने नजर पेंदे उन्हां किलियां दे बारे जे कोई पुछे कि ओह किला किस दा सी कहिंदे ने किसे राजे दा सी कि राजा कदों सी कहिंदे राजा उदों सी जदों भगत कबीर होया भगत रविदास होया ते कहिंदे उन्हां नूं किन्ने साल हो गए ने 100 साल नहीं 1000 सालां दी बात है कहिंदे ने राजे दा नां की सी कहिंदे नहीं पता उस वेले दे कोई राजे दे वजीर दा नां दस दिओ
उसकी कुल खानदान का नाम दस दौ। कहते नहीं पता। कहते छपरी कि है? कहते रविदास की। यह भगत कबीर की। कहने कदों होया? कहने उस वक्त उस वेले होया। कहन दा भाव हजारां साल पहलां दे नाम जपण वालियां दी याद दिनों दिन वधदी है ते राज करन वालियां दी याद घटदी नहीं अलोप हो जांदी है खत्म हो जांदी है। एक दिन ऐसा आउंदा कहिंदे ने तीन पुश्तां पहलां ये राजा होया सी ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਰਦੇ ਨੇ सिंह साहब कह के गए ने दस के गए ने कि ग्रस्ती दुनिया तो जांदे ने जिवें जिवें साल वधदे ने याद घटदी है महात्मा जांदे ने जिवें जिवें दिन वधदे ने साल वधदे ने याद वधदी है किन्हां दी वधदी है जिन्हां ने तुहानूं रब नाल जोड़िया जिन्हां ने तुहानूं बंदगी नाल जोड़िया जिन्हां ने तुहानूं उस मालक दे दर्शन दीदार कराए ने जिन्हां ने दस्या कि रब दा नाम दुनिया च करन की आए हो दुनिया च लैण की आए हो दुनिया च आउण दा मनोरथ तुहाडा की है उन्हां दी याद हुंदी है। ताही किसे स्याणे ने कहा है साचो उपदेश देत पली पली सीख देत समता सबुद्धि देत कमत को हरत है ज्ञान देत ध्यान देत मार्ग बताए देत सच को बताए देत सच में मलाए देत समत परत है सुंदर कहत जग संत कछ देत ना है। सुंदर कवि कहंदा है लोकी कहंदे ने संत की दिंदा है संत की देगा अज दे समय विच भी किया जांदा है संत की दिंदा है संत की कर सकदा है गुरु के प्यारियो जो संत कर सकदा कोई भी नहीं कर सकदा बड़िया बड़िया सरकारा नहीं कर सकदियां बड़े बड़े शासक नहीं कर सकते और बड़े बड़े तनाड़ नहीं कर सकते जेड़े संत कर सकते ने। कहंदे ने सुंदर कहत संत कछ देत ना है लेकिन जिस दिन संत जन देवो ही करत है संत तो रोजाना ही कुछ ना कुछ दे रहा है कुछ ना कुछ वंड रहा है कुछ ना कुछ समझा रहा है यह साधु दी करनी। संत बाबा जसवंत सिंह जी महाराज ऐसे महान साधु होए ने ऐसे महान सेवक होए ने सेवादार होए ने और ऐसे महान कंक्रीट वर्क कौम लई उन्होंने कीते ने समाज लई कीते ने लुकाई लई कीते ने जिहड़ा कोई सोच भी नहीं सकता। मैं पिछले दिनी किसे कार्ज वर्ष महापुरखां दे दर्शन करन आया सी ते इन्हां ने हॉस्पिटल दिखाए BDS हॉस्पिटल दिखाए वड्डे हॉस्पिटल बन रहे ने सोच ही नहीं सकता कोई
और अज दे समय विच हस्पतालां लई सोचना तो बहुत औखी गल है, लेकिन इन्ने वड्डे हस्पताल, एडे वड्डे समाज सेवा दे कारज महापुरख ने कीते ने, आरंभ कीते ने। और साधु दी इक सब तो वड्डी कला है, कहिंदे ने संत दी कला कदों समझ आउंदी है, कदों पता लगदी है, जदों संत दे जाण तों बाद उन्हां दा जान नशीन उन्हां तों वध के कारज करे, उन्हां दे नाम नूं चार चन्न लगा देवे, उन्हां दे नाम नूं होर उच्चा कर देवे, ते समझ लेना संत दी कमाई बहुत वड्डी सी। सो महाराज कृपा करन, बख्शिश करन, सिंह साहब जी आए ने, आप प्यारे महापुरख जिहड़े सारे महापुरखां नाल प्यार करदे सी, संगतां देशां विदेशां तों बैठियां हन। मैं एक बेनती करनी चाहांगा सिंह साहब जी नूं, संत बाबा जसवंत सिंह जी जिन्हां दी कलना किसे नालों घट नहीं सी, वो छुपी हुई रूह सी, जिथे भी किते जांदे सी अगे हुंदे ही नहीं सी, पिछे रह के। मेरी बेनती है, असी कहने हैं पंथ दे सेवादार ने, एक ग्रंथ दे सेवादार ने, एक गुरु नाल संगतां नूं जोड़ के भी गए ने, अगो भी जोड़ते रहेंगे। मेरी बेनती है सिंह साहब जी नूं कि श्री अकाल तख्त साहब संगतां ने बड़ा माण दिता, इन्हां नूं बहुत वड्डियां वड्याईयां दित्तियां, संगतां दे दिलां दे विच राज कीता है संत बाबा जसवंत सिंह जी ने, दिलां विच। मेरी बेनती है कि अकाल तख्त साहब वालों भी संत बाबा जसवंत सिंह जी नूं सन्मान दिता जाए, उन्हां दी सरूप तस्वीर श्रोमणी अजायब घर दे विच शोभित कीती जाए। चावला साहब तुसीं भी बैठे हो, तुहाडी भी हजूरी हाजरी है, साध संगत जी सारे जकारा छड्डो इक वारी। बोले सोनिहार, आने वाले दिनों में जो जो साडे नौजवान महापुरख जिन्हां नूं ये सेवा दित्ती गई है, जो बाबा जी दे उत्तराधिकारी हन और दुनिया दियां वड्डियां पढ़ाइयां कीतियां हन, ना है डॉक्टर अनहद राज सिंह, महापुरखां ने नाल संत जोड़ दिता, ते इन्हां दे वल्लों आने वाले समय विच ओह कारज कीते जाणगे जिहड़े कारज पंथ इन्हां नूं सलूट करेगी। वड्डे काम दियां पुलांगा पुट रहे हन। मेरी सिंह साहिब जी नूं इह बेनती है, बाबा जी भी नहीं कह के गए, ये भी नहीं कहते, मैं क्या मैं कहना चाहना, मैं कहना चाहना, ये मेरी बेनती है ते आ सारिया संगतां दी, बाबा जी दे प्यार वाले कि बाबा जी दी स्वरूप ते सन्मान विशेष करके काल तक सब तो जरूर किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा। सो बहुत बहुत धन्यवाद महंत करमजीत सिंह जी जमुना नगर वाले, जिन्हां ने अनमोल विचारां द्वारा आप संगतां नाल सांझ पाई है। सो सब तो पहला अरदास बेनती करेगा सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं, भाई अनहद राज सिंह जी गुरु घर वालों भाई सन्मान बख्शिश करनगे। सो बेनती है सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब उन्हां नूं सन्मानित किया जाएगा, नाल ही महंत करमजीत सिंह जी जमुना नगर वाले
महापुरख उन्हां नूं सत्कार देणगे। बेनती है संत रणजीत सिंह जी जो डेरा संतपुर लहलपुरी वाले उन्हां नूं भी सन्मान दिता जाए। महंत करमजीत सिंह जी जमुना नगर वाले उन्होंने भी महापुरख सन्मान बख्शिश करनगे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। संत रणजीत सिंह जी डेरा संतपुर लैलपुरी वाले उन्होंने भी बेनती है भाई महापुरखों पास आके सम्मान प्राप्त जी। कहते भी उठ के बह तो बह के जाग, कबीर सोता क्या करे बैठा रहो अर जाग। पूछ लिया भी बैठ गया तो फिर जागण की हाली लोड़ रह गई। कह लगे नहीं बैठे हुए भी सुते होंगे ने, बैठे भी सावधान चाहिए। जंग कै संगते बिछरा ताही के संग लाग के जे कहिंदे जागना पएगा दात तां मिलेगी। बाबा फरीद कहिंदे अमृत वेले जागना पएगा दात तां मिलेगी। गल्लां दोवें ही सच्चियां ते गुरदेव कहिंदे ने एक गल होर बरीकी दी भी ना भुल जायो, जे जागण दा अभिमान हो गया ना, जे जागण दी गल आ गई ते गल उत्थे भी नहीं जबणनी। मन विच इह ना आए ये 11 बजे उठन वाला है, मैं 4 बजे उठन वाला, ये भी गल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा गल किथे मुकदी है साधक दी, सारी साधना करदा है, कमाई करदा है, नाम जपदा है, ते अखीर ते अपने पुरशार्थ नूं अपने चेते विच नहीं आउण दिंदा। उह सगो यही गल चेते विच रखदा है भी दाती साहिब संधियां क्या चलै, तिस नाल एक जगन दे नाल हैं एक ना सुत्यां दे उठाल। कहिंदे रब दीआं दातां ने की पता है, कईआं नूं सुत्यां नूं उठा के दातां बख्श दिंदा। साधना विच नाम दी कमाई करदे 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 साधु इन्ना अपने आप नूं मिटा दिंदे ने, पिछे की रह जांदा है, पिछे की रह जांदा है जदों मिट जांदे ने। उह कहिंदे सब गोबिंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कह लगे कोई भी नहीं है। तो बाबा जसवंत सिंह जी होरां ने बड़ी नाम दी कमाई कीती और नाल नाल हॉस्पिटल तैयार किते जिन्हां विच असीं अपनी शरीर दी बिरथा दा इलाज करवा सकदे। महापुरशां ने अपने जीवन विच देखो वीर चेहर ते रहिंदिया होया भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पुरशारत किया, बड़िया सेवावान निभाइया। उन्होंने बारे जिन्हें शब्द कह लिए थोड़े ने, सतगुरु मेहर करन उन्होंने इस लाए हुए बगीचे नूं अज साडे सत्कारयोग भाई अनहद राज सिंह जी बड़े प्यार नाल सिंच रहे ने। ते अरदास यही करांगा कि पातशाह जो महापुरशां तो तुसां ने अपने सिक्खी दे बगीचे की सेवा लई, ये सेवा अपने अनुयाई भाई अनहद राज सिंह तो चढ़दी कला नाल इसे तरह लेंदे रहन। सतगुरु मेहर करन, गरीब आवाज कृपा करन, इन्हां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखन। स्टेज ते बहुत प्यारियां शख्सियतां, बाबा गुरदेव सिंह जी शहीदी बाग वाले, बाबा बलदेव सिंह जोगेवाल महापुरश, बाबा हरभजन सिंह जी, बाबा मनमोहन सिंह जी बारन वाले, बाबा भगत सिंह जी ढक्की वाले यानी सुखदेव सिंह जी और होर सारिया शख्सियतां बड़े प्यार नाल पहुंचिया ने। सब ने आप जी तो विचारां सांझियां करनियां ने आप जी नाल। दास नूं इत्थे खिमा बख्शिश करियो, गलतियां भुल्लां दी खिमा। प्यार सहित फतेह गजावो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਨਹਦਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਧਣੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਨਹਦ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਬੁੰਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਬੁੰਗਾ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਆਵ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ। ਸਭਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਣੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾ ਸਫਲ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦਾਈ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸਿਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੁੰਜ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਹਠੀ ਤਪੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਕਿਹਦਾ ਸਫਲਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾ ਸਫਲ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦਾਈ ਸਭ ਕੋਏ ਉਹਦਾ ਜਹਾਨ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਲਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਤਰਨੇ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਇਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਾ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੰਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰੂ ਵਰਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਰਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ ਜੇਤ ਸਮਨ ਹੋਣਾ ਵਿਸਰੈ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂ
अपने आप नूं दिग्विजय बादशाह खवाउंदा सी। संसार नूं जितन वास्ते गुरु खालसा जी चलिया है, मन विच मनसूबा कीता है सारी दुनिया नूं जित करके इंद्रपुरी विच जाके जिथे इंद्र बैठदा है उत्थे संघासन ते मैं बैठांगा। गुरु खालसा जी बड़ा दुख दिता प्रजा दे ताई, प्रजा दीआं अरदासां होईआं सचखंड धाम दे विच प्रवान चढ़ियां, क्योंकि गरीब दी अरजोई सचखंड धाम विखे सदा प्रवान चढ़दी है। गरीब मनो बेनती करता है, अरदास करता है, रब की दरगाह विच मकबूल हुंदी है जो गरीब बेनती करता है। सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी विच लिखिया है, बिरती कदे ना हो वही जन की अरदास। जना ने अरदास कीती रब कीड़ी का रूप धार के आ गया। जिथे बादशाह तुरिया जांदा सी ना उत्थे कीड़ियां दी भौं, ते रब बन के कीड़ी आ गया ते कीड़ी बन के कहन लगा राजे नूं, राजन एक वेले दा लंगर साडे घरों छक के जा। ते राजा अपमान नाल कहन लगा भी एक खंड दा दाणा तू खा लवें, दो दिन तैनू डिटकोई रहिंदी है, एडा वड्डा लाहो लश्कर है, इन्नियां फौजां ने, इन्ना राज साज है, तू कित्थों इन्नियां नूं भंडारा कर सकेंगी। गुरु खालसा जी गिरह दा उपमान उतारन लई ओ कीड़ी ने फुंकारा मारिया ते सारियां फौजां बेहोश कर दित्तियां अपनी जहर दे नाल। राजे दी सुरत थोड़ी जी ठा आई ते चरनी पे हाथ जोड़ के कहन लगा, मेरे उपर कृपा करो, मेरियां फौजां नूं ते जींदियां कर दिओ। तू आम कीड़ी नहीं, तू करामाती कीड़ी जापदी है। उन्हें अपने मूंह दे विच संजीवनी बूटी रख के फुंकारा मारिया ते सारा उहदा लाओ लश्कर उन्हें खड़ा कर दिता, सुरजीत कर दिता। राजा शर्म दा मारिया कहन लगा, चलो मैं तुहाडा निंदा सदा प्रवान करदा हाँ। कीड़ी ने कहा, जिथे साडी भौ आए थां पुट, जो थां पुटिया ते उहदे थल्लिओ लंगर निकलिया, लंगर दे भंडारे 36 प्रकार दे पकवान, घोड़ियां लई दाना पट्ठा निकलिया। रज करके निहालो निहाल हो गई सारी फौज, घोड़े रज गए, हाथी रज गए। राजा कहन लगा, कीड़ी दे ताई भोजन ते बड़ा स्वाद सी पर कुछ बया जापदा सी। ते कीड़ी कहन लगी भी तेरे वर्गा अभिमानी बादशाह आया सी एक, उन्हें लंगर छकिया ते जेड़ा बचिया खुशिया है ओ मैं तेरिया फौजां नूं छका दिता है। तेरिया फौजां थोड़ियां सन, मेरा हिया नहीं पिया भी मैं होर तैयार करके तुहानू छकावां। ते भंडारे विच गुरु खालसा जी 2-3 दिन का लंगर होर बच गया। कहन लगी, 2-3 निंदे होर लै ला लैने ते। गुरु खालसा जी राजा शर्मिंदा होया ते कीड़ी दे चरणा विच डिग पिया। गुरदेव पातशाह जी कहंदे, समुंद साह सुल्तान, समुंदर जिहा राज भाग होवे, राजियां दे विचो अपने आप नूं सुल्तान अखवाउंदा होवे। गिरहा सेती माल तन, गिरहा बादशाह जिन्ना माल तन, खजाना दौलत घोड़े लाहो लश्कर कोल होवे, कीड़ी तुलना हो बनी। एक कीड़ी दा भोजन प्रशादा वध गया सी ते राजा गिरहा दा गुरु खालसा जी लाहो लश्कर रज गया सी। गुरदेव पातशाह जी कहंदे, ओ रब दे घर दी एक कीड़ी, उहदे बराबर भी दुनिया दे राजे महाराजे नहीं पहुंच सके। जे तिस मनो ना विसरै, जिन्हां दे मनो रब दा नाम नहीं चेते भुलदा उहनां दी रीस की कर लैनी है। संत महाराज बाबा जसवंत सिंह जी उहनां दी रीस किसे ने की कर लैनी है, उह खुदाया रूप सन। नंद लाल साहिब ने एक वार कलगीधर पातशाह गुरदेव महाराज साहब जी नूं कहा, सच्चे पातशाह जी मेरे मन विच ख्याल है
जे रब वेखना होवे ते रब दे प्यारिया नू वेख लिया जावे। गोया अगर ई चश्मे तो मुश्ताके अस्त मरदाने खुदा खुदा नुमा अस्त। जे रब नू वेखना होवे ते रब दे प्यारिया नू वेख लो, रब विच ते रब दे प्यारिया विच कोई भेद नहीं हुंदा। महापुरख बाबा जसवंत सिंह जी खुदाया सन, जिन्हें खुदा नहीं वेखिया वह बाबा जी नू वेख लवे, उन्हां दी सूरत वेख लवे, उन्हां दे जीवन नू वेख लवे, उन्हां दी काल कमाई नू वेख लवे, उन्हां दी कीती हुई सेवा नू, उन्हां दे सिमरन नू, उन्हां दी फुलवाड़ी विचों पैदा होए महान महापुरख बाबा अनहद राज सिंह नू वेख लवे। गुरु खालसा जी ये रब दे प्यारे दुनिया का भला करन वास्ते आउंदे ने। एक मैं बात कह के फतेह कर देनी है, आपां गृहस्थी लोग हैं, सीधे लफ्ज़ां विच मैं कहां भी साडा ते लूण तेल ही नहीं पूरा हुंदा। भावें कोई तकड़ा ते भावें कोई गरीब है, सारे लूण तेल नूं ही भज्जे फिरदे हैं भी किवें ना किवें पूरा हो जावे। गुरु खालसा जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी विद्या पढ़ लैनी, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सिद्धांत नूं समझ लेना, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उपदेश नूं समझ लेना साडे वस दी गल नहीं है। गुरु खालसा जी समुंदर दा पानी खारा हुंदा है, ना नहाउण दे काम आउंदा है, ना कपड़े धोण दे काम आउंदा है, ना गुरु खालसा जी ओ होर किसे वरतों विच आउंदा है, पर जदों मीह पैंदा है ओहो ही पानी बदलां विच मिल जांदा है। गुरु खालसा जी बदलां राहीं जदों ओ पानी बरसदा है, झीलां विच तलाबां विच जा के खलोंदा है, उस पानी विच लोग इशनान भी कर लैंदे ने, उहदे तों कपड़े भी धो लैंदे ने, उहनूं अपने जीवन विच वरत वरताव विच वरत लैंदे ने। इसे तरह गुरु खालसा जी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इन्हां दी जो विद्या है ये समुंदर दी न्याई बहुत कठिन है, आम बंदे दी पकड़ विच नहीं आउंदी। जिहड़े महापुरख हुंदे ने वह बदल दी न्याई हुंदे ने। गुरु महाराज साहिब जी का जो सिद्धांत है गुरु खालसा जी वह सौखियां करके साडी झोली विच पा दिंदे ने। ओ गुरु खालसा जी गुरु महाराज का उपदेश का दीवा चिराग साडे हिरदयां विच जगा दिंदे हन। ओ गुरु महाराज साहिब जी दे दित्ते हुए सिद्धांत नूं साडे मनां विच वसा करके आप भी मुक्त हो जांदे ने ते सानूं भी मुक्त कर दिंदे ने। ऐसे गुरु खालसा जी महान युग पुरख उन्हां महापुरखां नूं ते नमो ही है। मैं गुरु खालसा जी 11-12 सन दे विच उन्हां महापुरखां दा इत्थे दीदार कीता सी। महाराज कलगीधर पातशाह गुरदेव पातशाह जी उन्हां दी इको एक कलाम जफरनामा फारसी अल्फाजा विच, ते ओ गुरु खालसा जी मैं 3-4 उस्तादां कोलों विद्या गुरुआं कोलों पढ़िया। हरेक दा गुरु खालसा जी उच्चारण विच को मतभेद आया। सचखंड हजूर साहब गए उत्थे जा के 2-3 महापुरखां तो पढ़िया, उत्थे भी गल बनी ना जापी। ते मन विच विचार आया भी ये फारसी बोली है ते होवे ना भी किसे मौलवी दे पासों ये विद्या पढ़ी जावे। ते ढोंडोल ढोंडोल दिया होया गुरु खालसा जी इत्थे लुधियाने विच आए, ते इत्थे मौलवी अतीक अहमद साहब जी सन 80 साल दे बजुर्ग, उन्हां ने गुरु खालसा जी मेरी झोली विच ये विद्या की दात पाई। अर्था नाल उन्हां नंद लाल ते भाई नंद लाल साहब जी की कलाम ते गुरु गोबिंद सिंह जी का जफरनामा पढ़ाया। उस वक्त मैं ये अस्थान दे उपर कुछ दिन गुरु खालसा जी बतीत किए, तो उन्होंने महापुरखों का दर्शन दीदार किया। सो बहुत सारे महापुरख पहुँचे ने प्रसंग, तो इतने ने महापुरखों के उन्होंने प्रसंगा की गल करिए।
संत महाराज बाबा अनहद राज सिंह जी इन्होंने मैनु उन्हां दा बचन सुनाया। गुरु खालसा जी सुनी दा सी भी फलाना महापुरख दस के गया कि मैं चले जाना, मेरा इत्थे संस्कार कर दिओ, इत्थे मेरा एहो जिहा अस्थान बना दिओ, एहो जी सेवा एहो जिहा प्रबंध चलायो। पर कई बार गुरु खालसा जी आपां में तर्कवादी जी हो जाने हैं, शंका जी कर लैनी। महापुरख बाबा जसवंत सिंह जी जिथे उन्हां दा अस्थान बनिया है उत्थे आए, शायद गोइंदवाल साहब तो चल के आए सन, ते ओ फीता अपनी गड्डी च रखदे हुंदे सी, ते कहन लगे भी इधरों फीता मारो, इधरों इन्ना मिनो, इधरों इन्ना मिनो। ते महापुरख दसदे ने भी असां सोचिया भी इत्थे कोई बिल्डिंग बनाउणी है शायद। सारी मिनती करके कह लगे जदों मैं जहान तो जावांगा ना, इत्थे बना दिओ, मेरा संस्कार कर दिओ, इत्थे मेरा एहो जिहा स्थान बना दिओ। एहो जे महापुरख सन, उन्हां नूं नमो नमो करदा होया मैं खिमा दा जाचक हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद संत ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी, श्री सर्वलोक बुंगा नंगली वाले, जिन्हां ने अनमोल विचारां द्वारा आप संगतां नूं निहाल कीता है। जियो आया धन्नवाद। हुण जो बोले सो निहाल। सत्कारयोग पंथनिया महान शख्सियतां गुरु पातशाह जी दे पावन हजूर, सतगुरु गुरु पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन दीदार करन वास्ते और आप सर्व संगतां दी चरण धूड़ी मानन वास्ते गुरु पातशाह दे हजूर पहुँचे ने। सत्कारयोग संत बाबा धन्ना सिंह जी बड़ूंदी वाले संगतां दे दर्शन दीदार करन वास्ते आए हन, धन्नवाद जियो आया। संत मिलखा सिंह लुधियाणा, संत हरविंदर सिंह जी नथू माजरा मरेलकोटला तो पहुँचे, जियो आया, धन्नवाद। संत प्रीतम सिंह जी राजपुरे वाले, वह भी संगतां दे दर्शन दीदार कर रहे ने, जियो आया नूं, धन्नवाद। सरदार हरजीत सिंह जी चंडीगढ़ वाले, वह भी संगतां दे दर्शन करन पहुँचे हन। भाई अमरजीत सिंह जी गुरद्वारा ईसरसर फरीदपुर नेड़े मिलो, वह भी पहुँचे ने। सत्कारयोग संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले महापुरख, वह भी संगतां दे दर्शन दीदार करन वास्ते पहुँचे हन। सन्मानयोग सत्कारयोग जो पंथ दीआं महान हस्तियां महान शख्सियतां, संत बाबा जीत सिंह जी निर्मल कुटिया जौलां वाले, वह भी संगतां दे दर्शन दीदार करन वास्ते गुरु पातशाह दे हजूर सज बैठे ने। संत बाबा काला सिंह जी ठाठ नानकसर कलेरां वाले, वह भी संगतां दे दर्शन दीदार कर रहे हन, जियो आया, तहे दिलों धन्नवाद। कदम कदम सिर मत्थे। सो संत ज्ञानी हरदीप सिंह जी सलेम टावरी लुधियाणा वाले महामंडलेश्वर स्वामी संतानंद जी जलंधर, उन्होंने अस्थान तो गुरमुख प्यारे पहुँचे ने, जियो आया। संत बाबा भगवान सिंह जी हरखोवाल वाले, वह भी भाई संगतां दे दर्शन दीदार करन वास्ते संगतां दे विचकार पहुँचे हैं। संत प्रकाश सिंह जी काराबाग, वह भी भाई संगतां दे दर्शन कर रहे हैं। सो हुण बेनती करा संत बाबा हरी सिंह जी तरना दाल बाबा बकाला साहब वाले, बहुत लंबे समय तो संगतां दे विचकार सुभाए हमान हन, दर्शन दीदार कर रहे ने, अपने दर्शन बख्शिश कर रहे ने। सन्मानयोग भाई अनहद राज सिंह जी महापुरखां दा सत्कार करनगे, संत बाबा हरी सिंह जी तरना दाल बाबा बकाला साहब वालियां दा, जियो आया महापुरखां नूं। बाबा तजिंद्र सिंह जी जिंदू नानकसर कलेरां तो, वह भी भाई संगतां दे दर्शन करन वास्ते संगतां दे विचकार सुभाए मान हन। संत बाबा हरी सिंह जी बोले सो निहाल। सो बहुत बहुत धन्नवाद सारे सत्कारयोग महापुरखां दा। इस दे नाल ही संत बाबा बलदेव सिंह जी जो पंथ दी महान शख्सियत हन, जो विद्यार्थियों नूं भाई गुरमत दी ब्रह्म विद्या दा ज्ञान बख्शिश करदे ने, संत बाबा बलदेव सिंह जी जोगेवाल वाले, वो भी संगतां दे दर्शन दीदार कर रहे ने। श्रीमती अविनाश कौर वालिया जी चेयरपर्सन स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूल, उन्हां दा भी धन्नवाद, वो भी संगतां दे दर्शन दीदार करन वास्ते संगतां विच आए हन। बीबी जसपुर जसप्रीत कौर जी मालपुर वाले, जियो आया, धन्नवाद, वह भी संगतां दे दर्शन दीदार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्नवाद। सारे महापुरखां नूं सत्कारत हस्तियां जितने भी विद्वान सज्जन महाराज जिया के पास पहुँचे हैं, सब का धन्नवाद है। कदम कदम सिर मत्थे, जियो आया नूं। संत बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी अंश वंश धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जिया की, उन्हां दा भी धन्नवाद। संत बाबा सरबजोत सिंह जी डांगो वाले, वह भी आए हैं, जियो आया, धन्नवाद। सो हुण बेनती है
संत बाबा बलविंदर सिंह जी डुमेली वाले वह भी संगतां दे दर्शन दीदार कर रहे हैं जी, वो आया नूं धन्नवाद। सो आओ जितने भी गुरमुख प्यारे सतगुरु पातशाह जी के पावन हजूर पहुँचे ने सभना का तह दिलों धन्नवाद है भाई। जे किसी गुरमुख का नाम स्टेज तो अनाउंस नहीं होंदा तो आप जी कृपा करके जरूर दस दिया करो ताकि बेनती करके आप जी के दर्शन संगतां नूं करवा दिते जाण। सो बेनती है संत बाबा संतोख सिंह जी रब जी दमदमी टकसाल वाले उन्हों का भी सन्मान महापुरख करनगे जी, वो आया नूं। आओ जी महापुरखो संत बाबा हिम्मत सिंह जी रामपुर छन्ना वाले वह भी संगतां दे लंबे समय तो दर्शन दीदार कर रहे ने, उन्हां नूं बेनती है भाई अनहराज सिंह जी दे पासों वह अपना सन्मान भाई स्टेज से आके प्राप्त कर लो जी। सो हुण बेनती है सत्कार योग आप सर्व संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जो आप जी सतगुरु पातशाह दे सज करके बड़े लंबे समय तो हाजरियां भर रहे हो। सो हुण बेनती है सत्कार योग संत बाबा धन्ना सिंह जी बड़ूंदी वाले वो कुछ समा आप संगतां दे दर्शन करनगे, बचना दी सांझ पाउणगे। सुआव महापुरखां पासों गुरमत विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह महाराज जी के पवित्र चरणों में बैठ के रब रंगी रूह नाम रतड़े महापुरश धन धन संत बाबा जसवंत सिंह जी दे उन्हां दी याद विच उन्हां दे इस पवित्र स्थान ते दूरों नेड़ों चल के देशां विदेशां दीआं संगतां बड़े प्यार ते सत्कार विच आप जी हाजरी भर रहे हो, दासां दी भी हाजरी प्रवान करदे फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सोच रहा सी धन धन बाबा जसवंत सिंह महाराज जी ने अपने प्यार दे कलावे विच किन्नी संगत नूं लैके जिहड़ा प्यार दा चश्मा फुट रहा सी उस प्यार दे चश्मे नूं निरंतर उसे तरह जारी रखदिया उन्हां दे उत्तराधिकारी सत्कारयोग भाई साहब भाई अनहद राज सिंह जी उस तरह ही रंग भाग लगे ने चढ़दी कला विच सारे समागम ने, भावें महापुरशां दे शरीर दे जाण तों बाद कई परेशानियां आउंदियां ने, कई समें ऐसे आउंदे ने असीं देखदे हां सारा कुछ, पर उन्हां महापुरशां दा तप तेज नाम दा प्रताप उन्हां दा प्यार उन्हां दा परपकार उस साक्षी सब आप संगतां देख रहे हो। जदों हुण आ रहे सी अद्धा पौणा घंटा सानू ट्रैफिक विच ही लग गया, बेअंत संगतां दा प्यार ते संगतां उमड़ के आ रहियां ने। ऐसे सत पुरश जिहड़े ने आप जी ने महान महापुरशां पासों महान विद्वानां पासों आप जी ने काफ़ी लंबे समय तो सरवण किया, तो मेरा तो मन ये कि महापुरशां नूं बेनती करिए कि बस दास की हाजरी नाम बोल के लग गई, इस स्थान पर आए सीस नवाया मत्था टेकया तो साड़ी हाजरी लग गई है, क्योंकि साडे सत्कारयोग बाबा कहला सिंह जी नानकसर तो दर्शन दे रहे ने, होर बेअंत महापुरश जिहड़े उन्हां दे नाल भी आए ने, उन्हां तो बिना भी महापुरश बैठे है, उन्हां दे अपार अमोलक बचन सापां सारिआं ने सरवण करने है। सो इस करके महापुरशां दीआं जिहड़ियां यादां हुंदियां ने ये सानू नाम नाल बाणी नाल गुरु नाल जोड़दियां ने,
इस संसार विच आउंदे ही महापुरश परपकार वास्ते ने अपने शरीर दे हुंदियां भी परपकार करदे ने। जे संसार विच आए जन्म धारे अवतार लिया उन्होंने जन्म होया ते उन्होंने जन्म दिहाड़े मनाए जांदे ने वह भी परपकार वास्ते। अपनी सारी जिंदगी जो इस शरीर दे विच बतीत करदे ने वह सारा जीवन जिन्ना हुंदा वह परपकार वास्ते हुंदा। किड्डे किड्डे हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज होर बेअंत अदारे ने जिहड़े देशां विच विदेशां विच उन्हां महापुरशां ने अपनी बड़ी कमाई ते घालना घाल के एडी वड्डी एडा वड्डा जिहड़ा प्रोजेक्ट तैयार कीते ने साडे परपकार लई महापुरशां दी घालना है उन्हां दी उस घालना नूं उह भी परपकार है। ते महापुरश संसार तों जांदे ने ते उन्हां दे जाण तों बाद भी शरीर अलोप हुंदा है ते उन्हां दी कमाई उन्हां दीआं जिहड़ियां सिख्यावां ने उन्हां नूं अज वी असीं सारे याद करदे आं। हमेशा महापुरश अमर ने। जे मैं उन्हां दे बचन सुनावां बेअंत उन्हां दे बचन दास नेड़े रह के भी दर्शन कीते ने ते थोड़ा जिहा समा होया महीना डेढ़ महीना बाबा जी महापुरश भाई साहिब भाई अनहद राज सिंह जी उन्हां ने बेअंत बचन उन्हां दे जिहड़े हुण वर्तमान विच वरत रहे ने ते उन्हां ने आप शरीर दे हुंदियां आप बचन कीते सी हुण वरत रहे आ। इह महापुरशां दी कमाईआं जे बचन सुनाईए समा काफ़ी लम्मा हो जाणा है। मैं बहुत संकोच कर रहा बस इन्नी क हाजरी भरनी है दास दे नाल। नानक सर तो संत तजिंदर सिंह जी जिंदू जी वह कहिंदे दास दी भी हाजरी बोल के लवा देनी। बुलारे बहुत बैठे ने महापुरश बैठे ने। असल सियाणा वक्ता उही हुंदा है जिहड़ा समय दी नजाकत नूं देखदे आ अपना समय विच रह के ही उन्हां महापुरशां नूं समा देना इहदे विच सियाणप समझदा मैं। इन्नी क हाजरी दास आप जी दे संगतां विच लवाउंदे आ महापुरशां तों सारे आईआं संगतां तों कोई वध घट लफ्ज़ बोलिया गया माफ़ी चाहुंना। फतेह बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो बहुत बहुत धन्यवाद संत बाबा धन्ना सिंह जी बड़ूंदी वाले सो भाई अनहद राज सिंह जी महापुरखों का सन्मान करनगे। सो हुण बेनती करा संत बाबा मनमोहन सिंह जी बारने वाले वह बड़े लंबे समय तो संगतां दे विचकार सुभावान हैं खिमा दे जाचका माफ़ी चाहते हैं तो उन्होंने समा देन विच थोड़ा लेट होए। संत बाबा मोहन सिंह जी बारने वाले बाबा जिंदू जी नूं बेनती है जी वह भी आके अपना सन्मान जो गुरुद्वारा नानकसर साहब तो आए ने जी वह आया धन्यवाद। सो आओ संत बाबा मनमोहन सिंह जी बारने वाले आप संगतां नाल गुरमत विचारां दी सांझ पाउणगे। बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले महापुरख वह भी भाई संगतां दे विचकार सुभावान हैं जी वह आया धन्यवाद। जो महापुरखों ने आ करके सानू अपने दर्शन बख्शिश किए ने सुहाओ महापुरखों तो गुरमत विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू जी धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ जिना आया ते जगत तार जावे धन धन आउना ओना दा जिना आया ते जगत तार जावे धन धन आउना ओना दा जिना आया ते जगत तार जावे धन धन आउना ओना दा जगत तार जावे धन धन्यवाद।
जगत तर जावे तन तन होना होना गा जी नया ते जगत तर जावे तन तन होना होना गा ये तन 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 जाने आया जिस पर साल सब जगत थराया जन आवन का एह सो आओ जन के संग किते आवे नाओ परम सत्कार योग गुरु की साजी नवाजी साध संग जीओ आओ सब तो पहला दोवें हाथ जोड़ के जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे हाथ जोड़ लैंदा है ना उन्हों कितों होर हाथ जोड़न की लोड़ नहीं पैंदी जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं सीस चुका दिंदा है उन्हों फिर होर किते चुकाउण दी लोड़ नहीं पैंदी आओ दोवें हाथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं सीस चुका के गज के फतेह गजाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ श्रीमान संत बाबा जसवंत सिंह जी महाराज मैनू याद आया वो समा जदों असी जोधपुर की जेल कट के आए ना 84 च दरबार साहब तो फड़े गए तो उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं सी जेड़ा आया नू झल लैंदा बाबा जी नू पता लगा क्योंकि बचपन तो प्यार सी बहुत समय तो इन्हां दा नगर उन्हां दे नेड़े मैदपुर अलदनी वाले संतां कोल दास उदों पहला पढ़िया सी महापुरख कहण लगे कोई गल नहीं ए गुरु का स्थान गुरु के सिखां वास्ते है उस समय सानू इत्थे महापुरखां ने रखिया जिवें किसे ने अखी देखिया होवेगा किसे ने कन्नां नाल सुनिया होवेगा लगभग 1.5-2 साल महापुरखां दे नाल 24 घंटे विचरे वेख्या कि इन्ना उच्चा सुच्चा परोपकारी जीवन जदों भी किते कोई भी नज़र आ जावे लोड़वंद एक बारी दी मैनूं गल याद आई इत्थे कोई आया जिहड़ा गरीबड़ा सिख ते उह कहण लगा जी मेरे कोल ठंड है कोई लैण नूं कपड़ा नहीं ते महापुरखां ने भाई दर्शन सिंह नूं कहा भी जा लोई लै के आ ਉਹੀ ਲੋਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਰੰਭੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਨਹਦ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੱਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਪਰਸੋਂ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਰਤੰਡ
संत बाबा हरि सिंह जी रंधावे वाले, संत बाबा काला सिंह जी महाराज, महापुरख जो जौड़ा तो आए हुए ने, होर बेअंत महापुरख उन्होंने हाजरियां भरनिया ने। केवल टूक मात्र आओ आप सारे क्यों आए हैं, गुरु की बाणी का फैसला है। गुरु की बाणी विच दो नू सोने आख्या है, ओ केड़े केड़े से सुंदर सोहने साध संग जिन बहने, जेड़े साध संगत विच बहिंदे ने ओ सोने ने, ते दूजे जेड़े रब दे गुण गाउंदे ने वाहो वाहो कर है से जन सोहने। प्यारो आपां इक जदों भी भाई साहब अरदास करदे ने कहिंदे आ तीने ताप, तीन ताप केड़े, आद ब्याद ते उपाद। ए प्यारो तीन ताप उदों उतर जांदे ने जदों आपां गुरु की बाणी सुणदे आ, दुख रोग संताप उतरे, ए तिन्ने ही उतर जांदे ने कदों, जदों सुनी सच्ची बाणी, जदों भावना नाल सच्ची बाणी सुणांगे। पर इत्थे गल नहीं मुकदी, क्योंकि ये इस लोक दे ताप ने इस लोक विच ही लै जाणगे, पर आपां जाणा है परलोक विच। परलोक विच अगे किवें जाया जावे, ओ ए नानक भाउ जल पार परे जो गावै प्रभ के गीत। आओ कोई रसना वांझी ना रवे, पहला दास धारना बोलणगे, फिर जथे वाले सिंह, फिर बाकी सारी संगत गज बज के बोलना। परजा पूजण आई तिनको, परजा पूजण आई, परजा पूजण आई तिनको, परजा पूजण आई, संगत गज के परजा पूजण आई तिनको, परजा पूजण आई, परजा पूजण आई, परजा पूजण आई, कर तन हर नामा।
हर नाम
साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का जिन्होंने हर बार वांग दर्श किया, अपनी गोद विच सजाया, अपना नाम जपाया, अपने दर्शन बख्शे, अपने प्यारियां दे दर्शन बख्शे। इस तरह सतगुरु पातशाह अपनी कृपा करते रहन, सानू सारिआं नूं अपने चरणों नाल जोड़ करके अपना नाम जपाते रहन, अपने दर्शन बख्शते रहन, अपने प्यारियां दी याद विच प्रेम विच प्यार विच भेज के अपना उपदेश आप कमाते रहें। ऐसी कृपा सतगुरु साढ़े सारे ते करन। सत श्री अकाल। जो इत्थे हुण समागम दी समाप्ति होवेगी, संपूर्णता होवेगी। सत श्री अकाल। जिन्हां जिन्हां प्यारियां ने पिछले कई रोज़ां तों दिन रात एक करके ना सौण दा विचार किया, ना खाण दा, ना पहनण दा, ना आराम दा, प्रेम विच बराग विच प्यार विच भिज के उसी उत्साह नाल उसी चाह नाल सेवा कीती, उन्हां सारिआं गुरमुखां दा, सिंघां दा, सिंघणियां दा, सेवादारां दा धन्नवाद। इस तरह सतगुरु दी कृपा करदे रहिण, जो देशों विदेशों तो पिंडों तो दूरों दराज संगत चल करके आईया हैं, कदम कदम चलिया सिर मथे, सतगुरु आप सारे का आया सफला कर। जिस प्राणी ने जिस जिस रूप में कोई सेवा की है महाराज, सेवा थाए पा वक् वक् चैनल भी कई दिन तो सेवा कर रहे हैं, फर्स्ट वे चैनल वाले, फतेह चैनल वाले, आप सारे का भी धन्यवाद। इंग्लैंड विच बैठे गुरद्वारा गुरु अमरदास साहब क्लिफन रोड विखे जो संगत वीज़ा ना खोलन करके इंडिया इतकी समागम दे नहीं आ सकियां, उत्थे स्थान विच उत्थों दे सेवादारां ने प्रबंध किए हैं, सारिआं नूं लाइव टेलीकास्ट उत्थे स्थान पर बिठा के दिखाए जाते हैं, उन्हां दे वी सपराले का धन्यवाद। सारिआं दा कदम कदम चलिया महाराज लिखे लाउण,
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜ ਆਸਣਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਜਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ 3 ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ 32 ਸੈਕਟਰ 39 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਧਮਾਨ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਂਕ ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਯਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣ ਔਰ ਸਮਾਗਮ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਅਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਰਦਾਨੀਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਕਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਾ ਗਾਵੋ ਭਈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਚ ਨੀਵ ਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸਦੇ ਹੈ ਸੁਭਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਨਾ ਸਭ ਗਵਾਇ, ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਪਾਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਪਿੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜਿਆਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਤਾਰਸ ਪਾ ਕੇ ਤਾਰਸ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ।